वहीं 22 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर रहेंगे। शाह के दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी ऑफिस में एक बैठक भी हुई। जंबूरी मैदान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आदिवासी वर्ग के लिए बड़ी घोषणा का ऐलान भी हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल आने वाले, जहां अमित शाह तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस का वितरण करेंगे और वन समितियों के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं भोपाल के जंबूरी मैदान में वनवासी कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें करीब 50,000 वनवासियों के कार्यक्रम में पहुंचने की उम्मीद है। इस देश के ताकतवर गृह मंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अभी सरकारी उनका कार्यक्रम है, बाकी आगामी कार्यक्रमों के बारे में एक बार पूरी चीजें आने के बाद ही तय होगा, लेकिन चूंकि वो भोपाल आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ उनके स्वागत की तैयारियों में हम सब लोग जुटे हैं। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में शाह के दौरे को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। कुल मिलाकर कहें तो शाह के दौरे को लेकर तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही है। जंबूरी मैदान में आयोजित कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही है। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को कब कब कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होंगे उस पर एक नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 22 अप्रैल को दौरा, करीब 6 घंटे तक भोपाल में रहेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। सुबह 10:30 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे शाह। एयरपोर्ट से केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी पहुंचेंगे अमित शाह। सुबह 10:50 पर अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का करेंगे शुभारंभ। दोपहर 1 बजे लाल परेड ग्राउंड कैलिब्रेट पहुंचेंगे अमित शाह। दोपहर 1:20 पर सीएम हाउस में अमित शाह करेंगे लंच। दोपहर 2:15 पर जंबूरी मैदान के लिए शाह होंगे रवाना। दोपहर 2:25 पर जंबूरी मैदान पहुंचेंगे गृह मंत्री। बीजेपी दफ्तर भी जाएंगे अमित शाह। तेंदुपत्ता संग्राहकों के हितग्राही सम्मेलन में करेंगे शिरकत। शाम 4 बजे जंबूरी मैदान से स्टेट कैंगर के लिए होंगे रवाना। शाम 4:30 बजे स्टेट कैंगर से दिल्ली होंगे शाह रवाना। 22 अप्रैल को शाह के दौरे के मिनट टू मिनट कार्यक्रम को जानने के बाद अब जंबूरी मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की कैसी तैयारी चल रही है इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौरे पर रहेंगे। जंबूरी मैदान में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। तस्वीरें हम आपको जंबूरी मैदान की ही दिखाते हैं। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे, दोपहर 2:30 बजे वो जंबूरी मैदान पहुंचेंगे और यहाँ पर तकरीबन 50,000 वनवासी शामिल होंगे और उसको लेकर ही आप तैयारियां देख रहे हैं कि एक बड़े स्तर पर मंच तैयार किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर गर्मी के दिन चल रहे हैं तो जो भी वनवासी आए उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, लिहाजा 400 से ज़्यादा कूलर भी लगाए जा रहे हैं धूप से बचने के लिए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से शेड यहाँ पर डाला गया है। वहीं अगर हम वनवासियों के खास तौर पर विकास की अगर आप बात करते हैं तो 15,000 वन समितियों को सालाना तकरीबन 800 करोड़ रुपए का राजस्व इसमें मिलेगा। 5 हितग्राहियों को लाभांश की जो है वो राशि भी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ा कार्यक्रम इस जंबूरी मैदान पर होने वाला है। इस तरह बीते 7 महीने में पार्टी के किसी बड़े नेता का राज्य का तीसरा दौरा होगा। मध्य प्रदेश में 20% से ज्यादा आदिवासी वर्ग की आबादी है और यही आबादी राज्य के चुनाव पर बड़ा असर डालती है। इस लिहाज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। संभावना है इस मौके पर आदिवासी वर्ग के लिए बड़ी घोषणा की जा सकती है। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को बीजेपी के मिशन 2023 से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आगामी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव में आदिवासी वर्ग एक बड़ी भूमिका निभाता है। कांग्रेस इसे सीधे तौर पर वनवासियों को लेकर पॉलिटिक्स करने को बात कर रही है। और वहीं अगर आप देखें तो 2018 में ज़्यादातर सीटें जो कि आदिवासी क्षेत्रों से आती है वो कांग्रेस ने जीती थी और कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश कर रही है कि ये सीटें वो जीत कर एक बार फिर से सत्ता में वापसी करें। बिडोली से हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।